तो रिसेंटली अभी यूपी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास करा जिसमें कि ये बताया गया है कि नो वुमन वर्कर इन द स्टेट वॉज बाउंड टू वर्क बिफोर 6 AM एंड आफ्टर 7 PM विदाउट देयर कंसेंट। यानी कि जो वुमन जहां पर काम कर रही है, जो वर्क कर रही है, वहां पर वो ध्यान रखे उनकी बिना कंसेंट के आप उनसे सुबह की 6 बजे से पहले और रात की 7 बजे के बाद उनसे काम नहीं करा सकते उनकी बिना कंसेंट के। इफ इन केस अगर वो कंसेंट दे देती है, यानी कि इफ इन केस अगर वो कंसेंट दे देती है रात में काम करने के लिए और उसके बाद अगर उनका काम हो जाता है तो कंपनी वाले उन्हें फ्री ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेंगे, यानी कि उस वुमेन के रेसिडेंस तक, यानी कि उनके घर तक छोड़ने जाएंगे। और ये इनिशिएटिव इसलिए लिया जा रहा है कि जो वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट होते हैं वुमेन के साथ उन्हें प्रोटेक्ट करा जाए। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने ऑर्डर में मेंशन करा कि आपको फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी और साथ ही साथ फूड एंड सफिशियंट सुपरविजन में काम करना होगा, वहां पर ये सारी चीजें प्रोवाइड करी जाएगी वुमेन को। और जो एम्प्लॉयर है वो ये भी इंश्योर कर ले कि वहां पर जो वर्क प्लेस है वहां पर प्रॉपर टॉयलेट्स हो, वॉशरूम्स हो, चेंजिंग रूम्स हो और ड्रिंकिंग रूम्स हो, ड्रिंकिंग फैसिलिटी और लाइट्स प्रॉपर चीजें, ये सारी चीजें फैसिलिटीज भी वहां पर होनी चाहिए। ठीक है, इफ इन केस ये चीजें भी अगर वहां पर वॉयलेशन होता है, ये सब चीजें नहीं होती है तो आप एक्शन ले सकते हैं। तो ये आपके राइट्स है वर्क प्लेस को लेकर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए एप्लीकेबल कराया गया है। आपको क्या लगता है इन सब चीजों से क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रोटेक्ट होगा या और इनको कुछ ऐड करना था? चैट सेक्शन में आपकी राय जरूर लिखिए और आपको कैसा लगा ये इनिशिएटिव चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। शेयर करें वीडियो को और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।